सवाल गई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द निस्पृहान यूट्यूब चैनल में। तो चल दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से एक पीडीएफ का जो है फाइल साइज़ कम कर सकते हो कुछ सेकंड के अंदर। ओके, बहुत सारा लोगों को जो ये हेल्पफुल हो जाता है कि उनकी जो फाइल होती है वो जो है कॉम्प्रेस नहीं हो पाती, या फिर आप किसी भी अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपकी पीडीएफ डाउनलोड करते हो या फिर आप डालते हो तो वहाँ जो है मिनिमम फाइल मांगता है। ओके, तो वो फाइल किस तरह से आपको कम करना है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दे जाता है कि 180 उसकी फाइल साइज़ होनी चाहिए, या फिर कुछ एमबी के अंदर या फिर किसके भी के अंदर उसकी जो साइज़ होनी चाहिए। तो किस तरह से आप जो है कम कर सकते हो आपकी फाइल के अंदर का कुछ भी डॉक्यूमेंट कम न करते हुए, वह देखते हैं। ओके, तो किस तरह से करना है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कैसे यूजफुल वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, चलो देखते हैं किस तरह से आप जो पीडीएफ का साइज़ कम कर सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ की साइज़ कितना है। ओके, ये जो पीडीएफ है, सबसे पहले आपको मैं इसकी प्रॉपर्टीज में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी साइज़ 1.48 MB है। ओके, एमबी की फाइल है तो आप देखोगे, आपको मैं केबी में कर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दिक्कत आती है कि वो केबी में नहीं हो पाती और ये जो है उन्हें जहाँ भी अपलोड करना है वो अपलोड नहीं हो पाती। ओके, तो वहाँ पर उनको एरर शो हो जाता है। ओके, तो किस तरह से आप इसके अंदर का जो फाइल साइज कम कर सकते हैं कुछ सेकंड में, वो आपको दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको चल जाना है गूगल के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैं चल जाता हूँ गूगल के ऊपर। ओके, और यहाँ से आपने टाइप करना है कॉम्प्रेस। ओके, कॉम्प्रेस आपने डालना है। ओके, यहाँ पर आप डालोगे कॉम्प्रेस पीडीएफ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को। ओके, तो सबसे पहले आपकी ये वाली वेबसाइट पे आ जाना है। ओके, इस पर आपने ओपन करना है कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद आप देख पाओगे किस तरह से इसका नाम है आई लव पीडीएफ। ओके, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ भी पीडीएफ रखिए उसे यहाँ से उठाना कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ से कॉम्प्रेस कर देना है। आप देख पाओगे कुछ सेकंड के अंदर आपकी जो है डाउनलोड हो रही है, आप देख पाओगे यहाँ पर सेव हो रहा है। आप देख पाओगे यहाँ से आपके 148 MB की जो है 356 KB जो है पीडीएफ हो चुके हैं। आप देख पाओगे कुछ इस तरह से वो पीडीएफ है। मैं यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख पाओगे 356 KB की बन चुकी है। ओके, और जो हमारी पहली थी उसका आप देख पाओगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर 1.48 MB थी। ओके, मतलब लगभग 1.5 MB थी उसके हमने कुछ KB में कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद 356 KB, यानी आधे से भी ज़्यादा, मतलब 5% जो है हमने कर दिए। ओके, तो इस तरह से आप जो पीडीएफ कॉम्प्रेस कर सकते हो और आपका जो काम है यहाँ से आप चला सकते हो। ओके दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आप जो है कॉम्प्रेस कर आपकी जो है पीडीएफ है वो कॉम्प्रेस कर सकते हो और आपका काम चला सकते हो। ओके, बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ओके, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक लाइक, गुड बाय।